नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने पाकिस्तान पर प्रहार किया है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई है। कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमन ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। निर्मला सीतारमन के अनुसार पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर जैश के ठिकानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हिंदुस्तान ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन जब जैश ए मोहम्मद के किसी आतंकवादी ठिकाने पर उसने हमला नहीं किया, तब भारत ने ये जिम्मेदारी ली और उसने ये एक्शन लिया। अब रक्षा मंत्री का ये बयान उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पूछते हैं भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक क्यों की। उन्होंने ये भी कहा था कि वो या नरेंद्र मोदी सेना का राजनीतिकरण नहीं कर रहे। दरअसल इस चुनाव में भाजपा जहां राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी उन पर सेना के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। निर्मला के अनुसार कोई भी फौज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता है, न मैं फौज का राजनीतिकरण कर रही हूँ, ना ही प्रधानमंत्री। लेकिन अगर हम इस बात की तुलना करें कि कांग्रेस सरकार के समय आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और हमने पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक की, तो इसमें गलत क्या है। इसी के साथ उन्होंने ये भी संदेश दिया कि मजबूत और मजबूर सरकार में क्या अंतर होता है। रक्षा मंत्री की इसके पीछे जो भी मंशा रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है, पिछले कुछ दिनों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी कड़े रुख अपनाए हैं। आपको याद दिला दे, भारत की वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकवादी मरने की आशंका है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान से साफ संकेत दे दिया है कि अगर पाकिस्तान अपने नापाक कारनामों को बंद नहीं करता है, तो आगे भी वो भारत के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई से सामना जरूर करेगा। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।